हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेलगाम फिशिंग स्पोर्ट्स टैकल। मैं हूँ हारून भाई, कर्नाटका से दोस्तों। और आज थोड़ा बहुत स्टॉक आया दोस्तों, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी। पहले तो दिखाऊंगा मैं दोस्तों फ्रॉग में आया हमारे पास सुपर फ्रॉग, जो नोवा पैटर्न है दोस्तों, जो नोवा 65 का पैटर्न आता है, 18 ग्राम का है। उसमें कलर मेरे पास तीन अवेलेबल है दोस्तों, ये देखिए तीन कलर अवेलेबल है दोस्तों। काफ़ी अच्छा हुक और काफ़ी अच्छा रबर रहता है इसका, और उसका प्राइस भी बहुत ही कम है दोस्तों। ये देखिए तीन कलर है, इसका प्राइस भी काफ़ी कम है दोस्तों। और मेरे पास फ्रॉग ही आया दोस्तों, और भी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये फिशर किंग का फ्रॉग है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा निकला है। और ये दुश्मन फ्रॉग में आएगा और किंग साइज़ आएगा आपको, और उसमें दो एक्स्ट्रा स्पिनर भी आएंगे। और ये भी थोड़ा बहुत कम प्राइस का ही है, इसमें दो क्वालिटी है दोस्तों। एक आएगा वो 350 का, ये आएगा 250 का। और इसमें प्लस आएंगे दोस्तों 350 का जो है, इसमें स्पिनर नहीं है दोस्तों, इसमें स्पिनर मिलेंगे। और एक काफ़ी हैवी हुक्स है इसमें, आप देख सकते हैं। और दो स्पिनर भी लगाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्नेकेड के लिए। ये देखिए ये किंग साइज़ है और ये 25 ग्राम में अवेलेबल है दोस्तों। इसमें भी तीन या चार कलर मिल जाएंगे मेरे पास। अभी इधर दिखलाने के लिए मेरे पास तीन कलर अवेलेबल है, चार कलर अवेलेबल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए मल्टी कलर आएगा, देखिए दोस्तों ये वाइट है, फुल वाइट, ब्लैक एंड वाइट, और ये मल्टी कलर आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 25 ग्राम में आएगा दोस्तों, उसका प्राइस भी काफ़ी कम है। और ये इसका साइज़ भी किंग साइज़ है दोस्तों, आपको कास्टिंग के लिए भी आसानी होगी। और इसके हुक्स तो क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। और दो स्पिनर भी दिया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और काफ़ी किंग साइज़ है। और ये प्लस दो स्पिनर आएंगे इसमें, आप देख सकते हैं। और उसके हुक्स की क्वालिटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, आराम से इसमें आपको 10 केजी के ऊपर भी अगर मच्छी लग गया स्नेकेड तो भी हुक्स क्वालिटी संभाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि वैसे हुक ही है इसके, काफ़ी मजबूत हुक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फ्रॉग का, हो गया हमारे पास फ्रॉग। और एक आया हमारे पास जो मोरोजो कंपनी का दोस्तों, काफ़ी अच्छा है ये भी, पैटर्न भी अच्छा निकला है। देखिए मोरोजो कंपनी का फ्रॉग है, अभी निकाल के दिखाऊँगा मैं आपको। काफ़ी अच्छा फ्रॉग है दोस्तों, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुक्स भी है उसके। देखिए मेरे पास उसमें चार कलर अवेलेबल है दोस्तों। ये तो ये हो गया ब्लैक एंड वाइट, ये देखिए एक कलर हो गया इसमें। और येलो ब्लैक एक कलर हो गया, दो कलर हो गया दोस्तों। और एक ग्रीन तो मैंने अभी दिखाया आपको, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी ओरिजिनल कलर है ये भी। और ये आएगा दोस्तों ब्लैक, और उसमें डॉट आएंगे जो बिग साइज़ के डॉट है इसमें, ये देखिए। चलिए अभी इसका मैं हुक्स क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। ये मोरोजो कंपनी का है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न निकला है। ये नया लुक है दोस्तों, नया पैटर्न है मोरोजो में, देखिए काफ़ी शानदार है। इसकी हुक्स की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, ये देखिए हुक्स क्वालिटी, हुक्स की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है दोस्तों, काफ़ी हैवी और काफ़ी मजबूत है दोस्तों हुक्स इसके, कार्बन स्टील है दोस्तों। और हुक्स तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और पैटर्न भी बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसमें आपको दिखाया मैं चार कलर अवेलेबल है मेरे पास, ये देखिए ये तो ज़बरदस्त कलर है, नया कलर आया है मार्केट में, ये देखिए। और ये खास बात है दोस्तों, इसकी जो बाइट करने पर मच्छी जो स्नेकेड बाइट करता है दोस्तों, तो ये आराम से आपको हुक परफेक्ट हुक जो हुक जाएगा, क्योंकि ये मारने पर ये घूम जाएगा दोस्तों। इसमें जो ये इसमें जो फ्लैट बनाया दोस्तों, ये इसकी वजह से ये इधर ही पकड़ेगा नहीं, अगर ये आपको बाइट हुआ तो ये घूम जाएगा दोस्तों, घूम हो के ये परफेक्टली आपको हुक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही फ्रॉक खेलता हूँ, और दूसरे कंपनी का आता है तो सेम पैटर्न है, और उससे अच्छा बनाया ये पैटर्न भी। ये देखिए ये घूम जाता है दोस्तों, घूमने की वजह से आपको परफेक्टली घाव हो जाता है दोस्तों हुक, और मच्छी
मिस होने का भी चांस नहीं है, क्योंकि इसको इस नेकेड को इसको दबाने का ज़रूरत नहीं है, ये बाइट करेगा तो खुद ब खुद ये टर्न हो जाएगा दोस्तों ऐसा। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और मैं भी यही पैटर्न का ही यूज़ करता हूँ जो दूसरा है मेरे दूसरे भी पहले भी वीडियो में देखे रहेंगे आप। ऐसे ये फ्लैट खेलता हूँ मैं, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों, हुक्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये 20 ग्राम है दोस्तों, 20 ग्राम का आएगा, मोरोज लगा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा कंपनी है, और ये रबर भी इसका काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, और फ्रॉक का तो हो गया, और मेरे पास आया क्रैब, ये देखिए आर्टिफिशियल क्रैब आया दोस्तों, ये स्नेकेड के लिए भी चलेगा आपको, इसमें भी 3-4 कलर अवेलेबल है, और इसमें हुक्स भी काफ़ी हैवी है दोस्तों। ये देखो ये क्रैब आया गया है, और ये पूरा सिलिकॉन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको मोमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा इसमें, और उसके हुक्स भी काफ़ी तगड़े हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हुक का साइज थिकनेस, देखिए इसमें 2 या 3 कलर अवेलेबल है दोस्तों मेरे पास। और एक आएगा ये ग्रीनिश है, थोड़ा ग्रीन में आ जाएगा, हर एक कलर में दिखलाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत कलर दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक ग्रीन है, और इसमें अंदर ये रबर में शाइनिंग है, आपको देख सकते हैं आप। ये देखिए इसका मोमेंट देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, और इसके हुक्स काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। देखिए ओरिजिनल क्रैप सेम ओरिजिनल क्रैप ही लगेगा, और ये सिलिकॉन है, ये आपको कट होने का भी चांस नहीं है मच्छी अगर बाइट किया तो, पूरा ओरिजिनल है दोस्तों, पूरा ओरिजिनल किया, ओरिजिनल सरकाई पूरा ये आपको दिखेगा, और काफ़ी अच्छा इसमें बाइट पड़ेगा मेरे हिसाब से जो खेलते हैं एंग्लर्स। देखिए काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये भी मंगा लिए, ये मेरे पास आपको 24 ग्राम तक रहेगा मेरे ख्याल से, मैं वेट तो ये नहीं किया, मगर कैटलॉग में जो नंबर दिया हूँ उसमें आप देख सकते हैं, वेट मैं मेंशन करके डालूँगा, इसमें आराम से 24 ग्राम तो लग रहा है, 20 ग्राम के ऊपर ही लग रहा है, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्रैब हो गया, अभी आया मेरे पास स्पून आया दोस्तों काश्चम का, जो काफ़ी चला है मार्केट में पठान फिश के लिए, ये देखिए काश्चम का, इसमें गोल्डन और स्टील अवेलेबल है दोस्तों मेरे पास, ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा, कास्ट चम का है, पठान फिश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, पठान फिश के लिए जो भी टारगेट करता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। चलिए ये भी हो गया दोस्तों, और मेरे पास आया है दोस्तों वॉबलर, जो ये 36 ग्राम का भी है दोस्तों मेरे पास, और इसमें 18 ग्राम का भी है दोस्तों, दोनों भी आ गया है, और इसमें कलर आप देख सकते हैं 2 या 4 कलर मिलेंगे इसमें, 2 या 3। ये देखिए ये तो आपको पता ही है, रेगुलर खेलते हैं दोस्तों, ये स्नेकेड के लिए भी चलता है और माशिर के लिए भी चलता है। ये देखिए ये 26 ग्राम का है दोस्तों मेरे पास, और इसमें 18 ग्राम का भी आया है दोस्तों मेरे पास। ये देखिए हैंजिए का है, कंपनी का है, अच्छा वाला है, बॉक्स पैकिंग आएगा इसका। ये मेरे पास इसमें भी एक 3 या 4 कलर रहेगा दोस्तों, ये अभी दिखाने के लिए बस इतना दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें भी ये ब्लैक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका ब्लैक का, और ये भी जो है रेड और ये ऑरेंज और येलो है दोस्तों, इसको भी बहुत ही अच्छा है, ये पूरा टाइगर पैटर्न है दोस्तों, कलर आप देख सकते हैं, और वो ब्लैक का तो काफ़ी अच्छा लुक है, कलर बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को भी। ऑर्डर कीजिए दोस्तों मिल जाएगा, ये 18 ग्राम का दोस्तों, और हैंजिए का है, ये कंपनी का आएगा, हैंजिए का आएगा, बहुत ही अच्छा ब्रांड है ये। और दोस्तों मेरे पास आया है ये फीडर, जो गुच्छा फीडर बोलते हैं दोस्तों, ये है, आपको इसमें सिर्फ आटा लगाना है, और इसमें आप सामने अगर यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, जो जो भी लगा सकते हैं, या केचुआ या कोई भी आप कीड़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये बॉक्स आएगा दोस्तों, और लूज भी मिल जाएगा मेरे पास, जो नए एंगलर रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये देखिए ये 5 पीस का आएगा दोस्तों, 5 पीस का फीडर विथ
गल के साथ आएगा और इसमें फीडर भी मिलेगा एक आपको, आप जो लगाना इसमें आप तुम्हारे हिसाब से खेल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए ये गुच्छा फीडर है दोस्तों, गुच्छा फीडर बोलते हैं इसको। ये आप इसमें बेट लगाइए या आटा लगाइए जो भी आपका है वो लगा सकते हैं और इसमें यूज़ कर सकते हैं। और आगे भी आप इसमें या ऊपर ऐसा डाल के खेल सकते हैं या आटे में आपके जो भी आपका बेट बनाते हैं, नहीं तो इसमें आप आटा भी लगा के, नहीं तो कोई भी कीड़ा वीड़ा या केंचुआ लगा के भी खेल सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बॉक्स भी मिलेगा, चार पीस का बॉक्स आएगा दोस्तों मेरे पास, और ये सिंगल भी अवेलेबल है, मिल जाएगा सिंगल भी। ये देखिए ये चार पीस का बॉक्स आएगा दोस्तों, चार पीस ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। और कैटलॉग में आपको मैं प्राइस दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें जाके चेक कर सकते हैं, जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया दोस्तों उसके ऊपर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और मेरे पास है हंट हाउस का, ये है दोस्तों श्रिम, जो झींगा होता है आर्टिफिशियल श्रिम, इसमें भी तीन कलर या चार कलर अवेलेबल है मेरे पास, मिल जाएंगे। ये फायर टाइगर अभी दिखला रहा हूँ मैं आपको, इसमें भी तीन या चार कलर आपको मिल जाएंगे आराम से। ये देखिए हेंजिए का, और ये 13 ग्राम का है दोस्तों, और हुक्स भी इसमें काफ़ी शानदार है, हैवी है। देखिए इसमें भी तीन या चार कलर मेरे पास मिल जाएंगे। ये श्रिम है दोस्तों, सॉल्ट वाटर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और फ्रेश वाटर के लिए भी चल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा कोई खेलता नहीं एंगलर, मगर फ्रेश वाटर के लिए भी चल जाएगा। स्नेकेट भी इस पर बहुत ही अच्छा कैच होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, ये भी कैटलॉग में आपको हाँ प्राइस मिल जाएगा, आप देख लीजिए। और आया मेरे पास दोस्तों पॉपर, ये भी स्नेकेट के लिए चल जाएगा दोस्तों, और आपको सॉल्ट वाटर के लिए भी चल जाएगा, कोकर के लिए जो छोटा कोकर होता है इस पर बाइट होगा दोस्तों, और इस पर स्नेकेट भी मारेगा। इसमें मेरे पास दो कलर है, एक आएगा रेडेड और एक आएगा ब्लैक एंड सिल्वर, वो तो मैंने लिया नहीं अभी दिखलाने के लिए, मगर ये दिखला रहा हूँ काफ़ी है, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ये देखिए और मेरे पास रबर शेड आया दोस्तों, ये रबर बैट है, ये देख सकते हैं आप, ये भी मेरे पास तीन चार कलर में अवेलेबल है दोस्तों। ये देखिए ये हो गया मोती कलर दोस्तों, वाइट नहीं है, मोती है, ये आप रात में भी खेल सकते हैं। और ये मल्टी कलर है दोस्तों, जो गंदे पानी में भी चलता है, अभी का जो पानी है मटमैला उसमें भी चलेगा, बहुत ही अच्छा बाइट होता है इस पर, बारामुंडी स्नैपर ग्रुपर सभी बाइट होएगा दोस्तों। ये देखिए ये रेडेड, तीन चार कलर है मेरे पास, और उसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जो जी मैन का होता है दोस्तों, सेम क्वालिटी निकाला है, जो जी मैन का रबर शेड होता है दोस्तों, इसका रबर क्वालिटी भी है। ये देखिए इतना खींचने पर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पूरा सिलिकॉन मटेरियल है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी बनाया और कम प्राइस में दोस्तों, आपको जी मैन का बहुत ही महंगा पड़ेगा, ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा, और सेम जी मैन क्वालिटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना लंबा खींच रहा हूँ मैं, कम से कम 1.5 फीट खींचा हूँ, कुछ भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको 1.5 फीट खींच के भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है रबर को, तो काफ़ी अच्छा है, सेम जी मैन का ऐसा ही रबर आता है दोस्तों। इसमें कलर अवेलेबल है, पहले मैं मिल जाएगा आपको कलर, मैंने दिखला दिया है, मल्टी कलर है और रेड एंड वाइट है, मोती कलर है, ऐसे दो तीन कलर मिल जाएंगे आपको। चलिए दोस्तों अभी हम आएंगे, और एक मेरे पास वॉबलर आया है जो फिश पैटर्न में है, ये देखिए वॉबलर, ये मेरे पास तीन कलर अवेलेबल है दोस्तों, मिल जाएगा, ऑर्डर कीजिए। ये देखिए तो तीनों कलर अवेलेबल है दोस्तों, मिल जाएगा, ज़्यादा पीस नहीं है मेरे पास, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए, मिल जाएगा आपको। ये देखिए मैं ओपन करके भी दिखला रहा हूँ आपको, ये हेंजी कंपनी का दोस्तों बॉक्स पैकिंग आएगा, और उसके हुक्स भी अच्छे हैं। ये देखिए ये वॉबलर है दोस्तों, ये आपको माशिर के लिए चलेगा, स्नेकेड के लिए चलेगा, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, इसमें एंगलर निकाल रहे भी हैं, ये बहुत सारे मार रहे हैं इस पर, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी ये, क्योंकि छोटा होने की वजह से साउंड भी इसका काफ़ी कम रहेगा दोस्तों, इससे बाइट भी ज़्यादा होगा, और उसका कलर भी माशाल्लाह है दोस्तों, देख सकते हैं आप 3D है पूरा, ये सेम जो मच्छी रहता है दोस्तों, छोटा मच्छी रहता है उसका ही कॉपी है पूरा। ये देखिए वबलर,
ये बहुत ही अच्छा निकला दोस्तों, और इस पर काफ़ी बेट हो रहा है और काफ़ी अच्छा है ये, मेरे को भी बहुत पसंद आया ये। इसमें भी दो तीन कलर अवेलेबल है दोस्तों, मेरे पास मिल जाएगा, आप ऑर्डर कीजिए। जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उसमें आपको कैटलॉग में आपको प्राइस भी है। ज़्यादातर मैं प्राइस बताता नहीं हूँ क्योंकि हर बार प्राइस एक ही नहीं रहता है, थोड़ा चेंज होता है, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। एक एक ले क्या बोलते हैं मेरे को जो हमारे फॉलोअर्स हैं, तब एक रेट था अभी एक रेट है, ऐसा बताते हैं, इसलिए मैंने रेट मैं डालता नहीं हूँ यूट्यूब पे। जो भी वीडियो है मैं रेट बहुत ही कम से कम यूज़ करता हूँ रेट उसमें डालने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कब का वीडियो कब तो देखेंगे लोगों, 6 महीने का पीछे देख के बताएंगे मेरे को कि तभी इतना था रेट, तो कब का है क्या है पता नहीं चलता है उनको, इसलिए मैं उस पर रेट नहीं डालता हूँ दोस्तों। आप कैटलॉग में देख सकते हैं, जो मेरा नंबर है ऊपर स्क्रीन पर दिया है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों, उस पर कैटलॉग है, आप सेव कीजिए, आपको कैटलॉग पूरा मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, सॉल्ट फिश आया हमारे पास, ब्रेडेड लाइन जो मल्टी कलर में रहता है दोस्तों, और ये मेड इन जापान आएगा दोस्तों, और ये मेरे पास 28, 30, 32 मिल जाएगा दोस्तों, ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा लाइन है दोस्तों, और ये मल्टी कलर में आएगा दोस्तों, देख सकते हैं मल्टी कलर आएगा। ये देखिए दोस्तों, मल्टी कलर आएगा, काफ़ी अच्छा लाइन है दोस्तों, मैंने भी यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा लाइन निकला है। ये देखिए मेड इन जापान एटेक्स, और मल्टी कलर में आएगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे पास आया है YGR जो 100 मीटर में है दोस्तों, YGR देख सकते हैं, मगर एक ही साइज़ अवेलेबल है दोस्तों मेरे पास, ये मेरे को मिला नहीं है, एक ही साइज़ मिला है 28, और उसका LB है दोस्तों 54 LB का है दोस्तों, 54 LB, और ये 100 मीटर का है दोस्तों, और इसमें कलर एक ही आएगा आपको, आप देख सकते हैं ये कलर आएगा दोस्तों, ये आपको एक ही कलर मिलेगा। लाइन काफ़ी मजबूत है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 9X YGR का बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है ये, काफ़ी चला भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है दोस्तों, काफ़ी एंगलर्स पसंद किए हैं, स्नैकेट के लिए तो बहुत सारे यूज़ किए हैं दोस्तों, काफ़ी इसका डिमांड भी है, तो मेरे को सिर्फ ये एक ही कलर में और एक ही साइज़ में अवेलेबल है दोस्तों, आप ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। इसका भी मैंने कैटलॉग में प्राइस डालता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और मेरे पास आया दोस्तों, ये तो आपको पता ही है रेगुलर है, फिश वाली का एटेक्स और 12X, मेरे पास 4X सभी आ गया दोस्तों, आप ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लाइन है ये, और ये कलर में मिल जाएगा, ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन, इसमें 12X भी मिलेगा दोस्तों और 8X भी मिलेगा मेरे पास, और 4X भी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों मेरे पास आया है थोड़े बहुत क्रोकोडाइल के छड़ी आए मेरे पास, आपको भी दिखा, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 7 फीट और 8 फीट और 6 फीट में भी मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, एक क्रोकोडाइल का है दोस्तों। इसमें आता है ये जॉइंट और ये स्क्रू, क्योंकि आपको कितना भी कास्ट करने दो ये निकलेगा नहीं एक बार आप टाइट करने पर। ये देखिए काफ़ी अच्छा ग्रिप है दोस्तों, और आपको आप जब चाहे इसको ओपन करके ये निकाल सकते हैं, और ये आपको जितना भी कास्टिंग करो दोस्तों ये कास्टिंग में निकलेगा नहीं एक बार टाइट होगा तो। थोड़ा बहुत एंगलर करते हैं, एक कम से कम एक 15 कास्ट करने पर ये चेक करना चाहिए दोस्तों, अंदर डालना चाहिए, जो इस पर ये रहता नहीं है, इसमें है ये चल जाएगा, मगर जो रेगुलर दूसरे जो आते हैं दोस्तों ब्रांड के, वो आपको हमेशा याद रखिए, क्योंकि कास्ट करने पर आप कम से कम एक 10 या 12 बार कास्ट करेंगे तो उसको एक बार आप पुश करना है, नहीं तो वो निकल के आगे जाएगा, अगर उस टाइम को मच्छी मारा तो इधर से कट हो जाएगा दोस्तों, इधर प्रेशर आ जाएगा, इधर से कट हो जाएगा दोस्तों, जो दूसरा रेगुलर वाला, ये नहीं होएगा जो दूसरा वाला बोल रहा हूँ मैं, डाइवा का रहने दो, शिमानो का रहने दो, या लुकाना का रहने दो दोस्तों, तो कट हो जाएगा, ज़्यादा लोग को पता नहीं रहता है, वो ऐसे ही कास्टिंग करते हैं, जब वो ऊपर साइड में इधर निकल के आता है कास्ट करके, जब बाइट होता है दोस्तों तब इधर से टूट जाता है दोस्तों, नहीं तो अटकने पर भी ऐसा झटका मारा तो टूट जाएगा, नहीं तो उसमें से आपका आगे का जो हिस्सा है ऊपर वाला टॉप हिस्सा पानी में चला जाएगा दोस्तों, तो इस पर ख्याल रखिए, ज़्यादातर एंगलर को पता नहीं रहता है। और यह है 8 फीट में दोस्तों मेरे पास क्रोकोडाइल है, ये सॉलिड है दोस्तों, सॉलिड फाइबर आता है, क्रोकोडाइल का ही है, ये 8 फीट में अवेलेबल है दोस्तों मेरे पास, और ये भी आपको थ्रेड वाला ही मिल जाएगा, आप देख सकते हैं थ्रेड है इसमें भी। और मेरे पास ये
5.5 फीट का आया दोस्तों, जो क्रोकोडाइल है, ये देखिए 5.5 फीट में मिल जाएगा आपको। ये भी कैटलॉग में प्राइस है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको थ्रेड मिलेगा सामने, इसमें भी कोई निकलने का चांस नहीं है। और उसमें कलर एक ग्रीन और एक ये ऑरेंज कलर में आएगा दोस्तों, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। जो स्मॉल फिशिंग करते हैं दोस्तों उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो सामने छोटा मोटा मच्छी मारते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी लचीला भी है दोस्तों। इसका प्राइस भी कम है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी लचीला है और ये फुल बैंड भी हो जाएगा आपको, आप देख सकते हैं काफ़ी लचीला और काफ़ी अच्छा है। ये छोटे फिश के लिए बहुत ही अच्छा है, आप ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। ये देखिए रखने की भी कोई टेंशन नहीं है, ये देखिए आराम से ये आपको 2.5 फीट के ऊपर हो जाएगा, आपको लेके जाने के लिए कैरी करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। इसमें दो कलर आएंगे दोस्तों, एक मेरे पास ग्रीन आएगा और जो दिखलाया मैं ये एक कलर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा, सारा तो मैंने दिखला दिया, अभी भी है काफ़ी दिखलाने का सामान, मगर मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कम से कम कोशिश करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास काफ़ी सामान है दोस्तों, मगर फिर भी मैं दिखा नहीं सकता, आप देख सकते हैं ये पूरा सामान से भरा ही है दोस्तों। इसमें लोअर व्यूअर सब मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों और एक मैं पॉपर दिखाऊंगा आपको दोस्तों। दोस्तों और एक मेरे पास पॉपर आया है जो सॉल्ट वाटर का दोस्तों, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 25 ग्राम का दोस्तों, और ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के लिए दोनों ही चलेगा, आप देख सकते हैं। इसमें हुक्स भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हुक्स भी क्वालिटी है, आप चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा हुक्स है इसमें। और ये आपको 25 तक मेरे ख्याल से रहेगा, ये मैंने वेट तो किया नहीं है मगर 25 तक रहेगा। और इसमें कलर या 2 या 3 मिल जाएंगे आपको, ये देखिए माशाल्लाह टॉप ऑर्डर का है। आपको इसमें स्नेकेड भी कैचेस हो जाएंगे दोस्तों, और सॉल्ट फिश के लिए, कोकर के लिए, जीटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है इस साइड। रॉक कास्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, जो रॉक फिशिंग करते हैं दोस्तों सॉल्ट वाटर में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। और ये फाइबर पूरा बॉडी है, आप ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। ये भी मैं कैटलॉग में डालूँगा, आप देख सकते हैं जो इसका प्राइस है। इसे ये भी 2 या 3 कलर में है दोस्तों, ये भी स्टॉक है मेरे पास। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए नए जो ग्रुप है दोस्तों उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि नए नए एंगलर को पता नहीं रहता है शॉप किधर है, तो उनको भी आइडिया हो जाएगी आपकी तरफ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारा जो चैनल है दोस्तों, बेलगाम फिशिंग स्पोर्ट्स। और हमारे पास काफ़ी अच्छे ये दोस्तों रील्स और रॉड्स, काफ़ी तुम्हारे को हर तरीके का सॉल्ट वाटर का और फ्रेश वाटर का हर जगह का आपको ये मिल जाएगा, लूअर्स और पूरा मशीन जितना भी आपको चाहिए, जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो मिल जाएगा, डाइवा भी होगा, चाइनीज़ भी है दोस्तों, और हर तरीके के हर प्राइस के मेरे पास आपको रील्स और रॉड्स मिल जाएंगे दोस्तों। और आपको या चारा चाहिए कटले का, कटले का बेट चाहिए वो भी मिल जाएगा दोस्तों, आप ऑर्डर कीजिए मिल जाएगा। मैंने कैटलॉग में तो डाला नहीं है जो भी चारे का है, क्योंकि इधर बनाता है हम, इधर खुद बनाते हैं और इधर ही रखते हैं, और ज़्यादा इधर ही सेल है हमारा, इसलिए बाहर यूट्यूब पर डालना ये नहीं समझता मैं, क्योंकि इधर पार्सल करने का भी टेंशन रहता है, कोई 10 किलो कोई 15 किलो ऐसा मंगाता है तो दूर लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, तो हर जगह कुरियर अवेलेबल नहीं रहता है दोस्तों, तो और ट्रांसपोर्ट भी नहीं रहता है तो देने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालता नहीं हूँ। ऐसे तो काफ़ी अच्छा, बहुत ही कम से कम एक हफ्ते में 100 kg 80 kg जाता है मेरा चारा जो कटले का है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है, कटला रोहू सभी भी इसमें कैच होता है दोस्तों। और इसमें स्पेशली मवा है दोस्तों, जो हमने खास करके इधर ही मवा रेडी करके बनाते हैं उसमें डालते हैं,